शिद्दत से देखे गए सपने अक्सर हर एक इंसान के जरूर पूरे होते हैं, क्योंकि शिद्दत से देखा गया सपना ना, वहां पर इंसान जो है अपना 100% फोकस के साथ यानी पूरे मेहनत के साथ उस काम को करता है, इसीलिए वो सपना अक्सर इंसान के पूरे हो जाते हैं। क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी ना है ना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को आप सभी दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। और शाम को 6 बजे तीसरा पार्ट आप सभी का प्रतिशत का आने वाला है, जो मैंने क्लास स्टार्ट करवाया था आप सभी का। फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, उसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है आपको, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट का वीडियो आपको मिल जाएगा। तीसरा पार्ट का वीडियो आज शाम को 6 बजे लाइव क्लास आपको मिलेगा, भूलिएगा मत। और एक बात, आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद यानी सक्सेस की 98 को डाउनलोड करने के बाद आप अपने फोन के ऊपर हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ताकि एग्जाम से पहले अपने आप को जज कर पाओ कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और मॉक टेस्ट जो है ना, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में दे सकते हैं। अगर वहां से 349 वाला पैकेज अगर बाय करेंगे तो 1 साल के वैलिडिटी के साथ यानी आने वाले 1 साल तक आपको हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट जो है दिया जाएगा, कम से कम हर एक टेस्ट का 20 से 25 सेट। और आज कवर करेंगे हम सभी 4 मई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और पहला क्वेश्चन है MyGOV यानी माय गवर्नमेंट का जो साइट है ना, उसने COVID-19 से संबंधित जानकारी को फैलाने के लिए किस एप्लीकेशन के साथ जो है वो सहयोग यानी डील साइन किया है। अब इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप सभी समझ लीजिएगा। अभी केंद्र सरकार क्या कर रही है, जो जो पॉपुलर एप्लीकेशन है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, उससे साठ गांठ कर रही है। क्यों? क्योंकि जो भी जानकारी है COVID-19 यानी कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए क्या क्या चीज आपको देखना पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी, वो हर एक चीज जो है वो केंद्र सरकार कर रही है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। कितने जो भी एप्लीकेशन है, फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, जितने भी एप्लीकेशन है जो फेमस है, जिससे लोग जुड़े हुए हैं, उस हर एक एप्लीकेशन के साथ जो है वो केंद्र सरकार डील साइन कर रही है ताकि लोगों के पास हर एक जानकारी पहुंच सके। तो MyGOV जो सरकार का डाटा है, जो पोर्टल है, उसने किसके साथ साठगांठ किया है, तो उसने साठगांठ किया है आपका भीमेट के साथ, ऑप्शन नंबर बी। अब ये कौन सा एप्लीकेशन है भैया, जो शॉर्ट वीडियो बनाते हैं ना, शॉर्ट वीडियो, उसी प्रकार का ये एप्लीकेशन है। यहां से आप YouTube के वीडियो वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो MyGOV ने किस एप्लीकेशन के साथ साठगांठ किया है ताकि हर एक जानकारी COVID-19 का जो है वो लोगों तक पहुंचाया जा सके, तो वीमेट के साथ, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसे 3 साल की अवधि के लिए सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड यानी आप सभी का पब्लिक इंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड का जो है वो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, आपको बताना है उनका नाम, और उनका नाम क्या है, राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, CSIR लैब दुर्गापुर में जो स्थित है उसके द्वारा डिजाइन किया गया रोबोट डिवाइस जो आपका रोबोट, एक रोबोट है जो डिजाइन किया गया है आपका CSIR लैब दुर्गापुर के द्वारा, उसका नाम आपको बताना है, जो COVID-19 हेल्थ केयर वर्कर की मदद और सहायता के लिए बनाया गया है, उस रोबोट का नाम बताना है। उस रोबोट के सहायता से भैया कैसे हेल्प मिलेगा भैया, जितने भी हेल्थ केयर वर्कर है, अब देखो, अब जो भी COVID-19 मरीज है, जो संक्रमित है, उनके पास जाने में ही ऐसी बहुत रिस्क है, तो जितने भी हेल्थ केयर वर्कर हैं, ये रोबोट क्या करेगा, उनकी सहायता करेगा यानी उनके नजदीक जाएगा, हर एक जानकारी बोल सकते हो या जो भी हेल्प है वो रोबोट हेल्प करेगा, ताकि जो भी हेल्थ केयर वर्कर है उनको याद ना पड़े, उनके ऊपर खतरे की जो घंटी है वो कम हो सके, ठीक है। तो वो रोबोट डिवाइस का नाम है क्या, तो उसका नाम है आपका एच कार्ड, ऑप्शन नंबर आपका डी। और ये रोबोट किसके द्वारा बनाया गया, तो ये भी याद रखिएगा आप सभी, CSIR लैब जो दुर्गापुर में स्थित है, इसके द्वारा बनाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने भारत को तत्व संसाधनों यानी कोस्टल एरिया की बात कर रहा है यहां पर, कहां का, कोस्टल एरिया का, को बढ़ावा और आजीविका
कि अवसर को सुधार करने के मदद के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा यानी विश्व बैंक के द्वारा कितने मिलियन का राशि की सहायता भारत को दी गई है, यह आपको बताना है। जितना भी कोस्टल रिसोर्स है ना, जितने भी तटीय क्षेत्र हैं, वहां पर जो भी लॉस हुआ है, जो भी COVID-19 के वजह से कुछ भी, उसकी भरपाई करने के लिए, मदद करने के लिए भारत सरकार को विश्व बैंक ने $400 मिलियन का जो है वो लोन दिया है। किसने दिया है? विश्व बैंक ने दिया है। और विश्व बैंक का गठन कब हुआ था? 1944 में। अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालापास। और हेडक्वार्टर क्या है? वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका में पड़ता है। और एक बात याद रखिएगा, यहां पर विश्व बैंक ने ना COVID-19 से लड़ने के लिए पूरे विश्व भर को कितने रुपए दिए हैं? तो $14 बिलियन। कितना? $14 बिलियन दिया गया है विश्व बैंक के द्वारा, जो सबसे बड़ी राशि दी गई है अभी तक का। अगला प्रश्न हमारे सामने, न्यूनतम ओपन बजट संरक्षण के अनुसार बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों की सूची के बीच भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत का रैंकिंग जो है वो इस बार 53 है, ठीक है। दूसरा बात, शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर जो देश है, टॉप पर जो देश है वो है आपका न्यूजीलैंड, ये भी याद रखिएगा। न्यूजीलैंड का पीएम कौन है, प्रधानमंत्री? तो जैकिंडा एडन, और ये एक लेडीज है, एक महिला है। और कैपिटल क्या है न्यूजीलैंड का? तो वो है आपका वेलिंगटन। और मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? तो मुद्रा वहां पर इस्तेमाल होता है आपका न्यूजीलैंड डॉलर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने ग्रामीण महाराष्ट्र में बिजली कनेक्शन प्रदान करने में सहायता के लिए $346 मिलियन का लोन दिया है महाराष्ट्र सरकार को? क्योंकि ग्रामीण महाराष्ट्र, जितने भी महाराष्ट्र में गांव वगैरह है ना, वहां पर बिजली कनेक्शन को बेहतर बनाया जा सके, इसीलिए $346 मिलियन का लोन दिया गया है एशियाई विकास बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी। और एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? आप सभी को पता है, मंडल युंग, जो आपका फिलीपींस में पड़ता है। और अगर मैं बात करूं राष्ट्र अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन है एशियाई विकास बैंक का, तो उनका नाम क्या है? मासाटोसुगु आसाकावा। और गठन कब हुआ था? 1966 में। और महाराष्ट्र का कैपिटल आप सभी को पता है, ये तो मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आप सभी को पता है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी भारत करने वाला था, लेकिन अभी भारत से होस्टिंग का अधिकार जो है वो छीन लिया गया है। वो और वो छीन कर किसको दिया गया, किस राष्ट्र को? तो वो दिया गया आपका सर्बिया को। ऑप्शन नंबर आपका बी। और सर्बिया का जो अध्यक्ष बोला, राष्ट्रपति, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका अलेक्जेंडर ब्यूकिक, ठीक है। और वहां के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? एना बर्नाबिक। और अगर बात करूं वहां का राजधानी क्या है, तो वो क्या है आपका? बेलग्रेड। और मुद्रा, तो सर्बियन दिनार वहां पर मुद्रा इस्तेमाल करते हैं, कहां पर? सर्बिया में। अगला प्रश्न हमारे सामने, अमेरिका ने COVID-19 पैंडेमिक यानी महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए भारत को कितने अतिरिक्त $ मिलियन प्रदान किए हैं अभी? तो $3 मिलियन दिया गया है अमेरिका के द्वारा भारत को, और अतिरिक्त दिया गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत या स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम बताना। ये सब क्वेश्चन ना काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा आप सभी। तो उनका नाम है आपका TS त्रिमूर्ति। ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट की नौसेना इस वर्ष किस क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपका द रिम ऑफ पैसिफिक, की मेजबानी कहां पर होगा? कौन सा कंट्री करेगा दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री अभ्यास का ड्रिल, द रिम ऑफ पैसिफिक का? तो ये करेगा आपका हवाई। ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, कतार
कतार का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है भारत की तरफ से? कहने का मतलब है भारत ने कतार के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो उनका नाम क्या? दीपक मित्तल। और आज का पहला प्रश्न लास्ट क्वेश्चन से आप सभी का निकल कर आ रहा है, कतार का मुद्रा, कतार का राजधानी और कतार के प्रधानमंत्री का नाम, ये तीन चीज आपको कमेंट कर बताना है। यह आपका आज का पहला प्रश्न है, ठीक है? और इसका पूरा पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और टेलीग्राम से आप सभी जरूर जुड़ी रहिएगा, क्योंकि हर एक चीज का नोटिफिकेशन आप सभी को वहां पर शेयर कर दिया जाता है। शाम को 6 बजे लाइव क्लास के साथ आप सभी के साथ मिलूंगा। सो मेरे जितने भी भाई बहन है सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा, ठीक है ना? चलिए।